Now students, we start exercise 3.2. 3.1 में हमने पहले introduction पढ़ा, उसके बाद में दो questions हमने solve कर लिए। अब जो आता है हमारा part exercise 3.2 का, उससे related कुछ questions हैं जो आप open book निकाल लीजिए और book से ही solve करेंगे। देखिए, book के अंदर क्या लिखा हुआ है? Book के अंदर जो आपका first question है उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी what is the name of the horizontal and vertical line? Horizontal line है और vertical line, इन दोनों का आपको name बताना है। मैंने बताया था कि ये जो horizontal line होती है और ये जो vertical line है, इनके name बताए थे previous video में, इसको हम बोलते हैं x-axis। ऐसे ही हमने पीछे और ये होता है आपका y-axis और इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने x-axis का horizontal line का abscissa और y-axis का दूसरा नाम ordinate। याद रह जाएगा सबको। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो horizontal line होती है उसको हम बोलते हैं x-axis। क्या बोलते हैं? x-axis। और जो vertical line होती है उसको हम क्या बोलेंगे? y-axis। तो अपना आंसर हो जाएगा x-axis and ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? ये तो भी पार्ट बनने वाले, कितने पार्ट बन रहे हैं? 1 2 3 4। जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन जो सिस्टम होता है उसके अंदर ये फोर पार्ट जो है ये 1/4 होते हैं पूरे क्वाड्रेंट के। जो आपको पूरा सिस्टम दिखा ना कार्टेशियन का, इसका तो इस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम का 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये पूरा 100 है, अगर पूरा 100 प्लेन है तो उसका ये कितना होगा? 1/4 होगा। तो 25% ये लेके जाएगा, 25% इसके पास में होगा और 25% इसके पास में होगा, लास्ट 25% इसके पास में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। देखो क्लॉक के एंटी डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, घड़ी ऐसे चलती है और ये कैसे चल रहा है? इस तरह से 1 2 3 4। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। हमने पढ़ा पहले, तो यहां पे देखिए क्या बोला है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? सभी पार्ट का क्या नाम है? ऑफ द प्लेन फॉर्मड बाय दीस टू लाइन, दोनों ये जो लाइन है ये बनाती है, इनका नाम क्या है? तो आप यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेंट। सुनना का सबको क्वाड्रेंट क्लियर है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। मैंने बताया था आपको कि जहां पे भी ये दोनों लाइन आपस में मिलेगी, इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट का क्या नाम होता है? एक साथ बताएंगे क्या नाम होता है? ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। तो यहां पे हम आंसर लिख देते हैं इसका ओरिजिन। ओरिजिन को बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन कहां पे आएगा? इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा। ठीक है, यहां तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। इस फिगर को आपको अच्छे से देखना है और इस फिगर के अंदर जो डायग्राम आपको दिया है, आपका जो कार्टेशियन सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। देखो पी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डी जी सी ई, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे बताया गया है। सारी चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, आपको सब चीज ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पी। बी के बारे में ढूंढना है, तो बी कहाँ पे मिल रहा है? इस पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है कोऑर्डिनेट में वो हमेशा एक्स एक्सिस का लिया जाता है और जो सेकंड पार्ट है वो लिया जाता है वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन सी हमारी? ये वाली। और ये हो जाएगी हमारी माइनस, ये वाई है, ये वाई एक्स है, ये आपका एक्स है और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हो जाएगा? आपका ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट पे पहले एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे। तो इसलिए ये बताया है कि स्केल है एक्स एक्सिस पे, हमने 2 यूनिट लिए हैं। 2 यूनिट लिए हैं, 1 2 3 4 5 का है। तो इस 5 पोजीशंस में पहले पढ़ेंगे, वो भी -5 है क्योंकि ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला है और ये यहां पे कितना निकला आपको? 2। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है तो ये आपका प्लस कट होगा। ये डॉट लाइन है, इसको क्या कहते हैं? ये 2 दिखा रहे हैं और ये आपका माइनस का 5। तो पहले आपको कौन सा लेना है? एक्स एक्सिस का लेना है। तो जो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 और 2। समझ आया सबको? तो पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका -5 एंड 2। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेने हैं, उसके बाद में वाई एक्सिस के लेने हैं।
एस है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी लेते कहां पे, तो सी की कोऑर्डिनेट ये पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे कितना दिख रहा है 5 और वाई एक्सिस कितना है माइनस का 5, तो इसका हो गया वैल्यू 5 एंड माइनस 5, तो आंसर यहां लिख दीजिए 5 कॉमा माइनस 5, चेक कर लीजिए फिर से एक बार एक्स एक्सिस की 5 और वाई एक्सिस का माइनस 5, सी को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट आता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 माइनस 5, इस बार क्या हुआ कोऑर्डिनेट आपको दिया है आपको इस पोजीशन पे जो पॉइंट है वो ढूंढना है, तो चलिए माइनस 5 पे चलते हैं माइनस 3, पहले माइनस 3 देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे माइनस 3 कहां पे ये रहा और इस पे आपको ढूंढना है माइनस 3 जा रहा है माइनस 5 पे, तो माइनस 3 जाएगा माइनस 5 पे, वाई एक्सिस पे माइनस 5 यहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है ई पॉइंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5, तो इसका आंसर हो गया आपका ई, ठीक है या तो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड माइनस 4, आपको सेल्फ करना है देखिए क्या है 2 कहां पे है एक्स एक्सिस में ये और माइनस 4 ढूंढना है, तो माइनस 4 कहां पे, तो किस पोजीशन को दिखा रहे हैं 0, तो इसका आंसर हो गया आपका जी, ठीक है। नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो स्टूडेंट एक बार फिर से हम बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा क्या होती है, एब्सिसा होती है एक्स एक्सिस और आपको डी पोजीशन पे जो नंबर आ रहे हैं जितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उनका केवल एक्स पार्ट बता दिया, ओनली एक्स पार्ट, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट नहीं पूछे हैं, इसने क्या पूछा है केवल एब्सिसा पूछा है, तो डी पे चले जाइए, डी आ गया और इसके लिए क्या ढूंढना है आपको एक्स वाला, तो एक्स का क्या इसका 6, तो आंसर हो गया इसका 6, ठीक है सबको दिख रहा है अगर। नेक्स्ट पोजीशन पर जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है एक्स आर बोलेंगे मेरे साथ 6 पार्ट में कोऑर्डिनेट मतलब होता है y एक्सिस, क्या होता है y एक्सिस, तो y कौन सा है ये वाला बोला और इसके लिए आपको ढूंढना है h, तो h का मतलब ढूंढिए कहां पे ये रहा आपका h और इसके लिए आपको y वाला ढूंढना है, x वाला छोड़ दीजिए y पे चले जाइए, h के लिए y कहां दिखा रहा है माइनस का 3, यहां पे आ जाएगा माइनस का 3, चेक कर लीजिए ऊपर देखो 1 2 एंड 3 माइनस पोजीशन है इसलिए माइनस का 3, दो पार्ट हो रहा है इनको पूरा कर लेते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ l, l को ढूंढने का हमें इस पोजीशन में है इसके लिए हमें x एक्सिस ढूंढना है, तो स्टूडेंट x तो है ही इसमें देखो x तो यहां पे आ रहा है सीधा x पॉइंट पे दिखा रहा है, तो x के लिए ले लेंगे हम 0 और y के लिए देखो क्या है y लाइन पे 5, तो ये हो जाएगा 0 5, इसका आंसर आप लिख लेंगे 0, 5। 7 पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ m, m कहां पे है इस पोजीशन पे, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट बता दें, तो इस बार y के लिए भी शो हो रहा है, तो यहां पे देखो यहां पे -3 दिख रहा है, तो सबसे पहले x की लिखते हैं -3 -0 -3 और 0, तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका जो एग्जांपल है एक